दोस्तों, आज हम ट्यूबरकुलर अल्सर के बारे में चर्चा करते हैं, अल्सर के इसी टॉपिक के क्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली जो ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित जो भी अल्सर हैं, उनमें जो कॉमनेस्ट होते हैं, एक तो सबसे बड़ा कारण होता है कि जो कोल्ड एब्सिस होती है, जो ट्यूबरकुलोसिस के कारण बनती है, जब वो रप्चर हो जाती है, उसके बाद जो घाव बनता है वो ट्यूबरकुलर है। या बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी लिम्फ नोड होती हैं, और लिम्फ नोड में यदि ट्यूबरकुलर एफ्लिक्शंस है, वहाँ पे लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट है, एप्सिस बनने के बाद, केजिएशन होने के बाद उनका जो रप्चर होती है वो ट्यूबरकुलर अल्सर है। या फिर जो है, कई बार बोन में इन्फेक्शन होने की वजह से जो अंदर सिक्वेस्ट्रम या एप्सिस फॉर्मेशन होती है, उसके रप्चर होने से जो बनता है वो ट्यूबरकुलर अल्सर है। और या फिर अन्य कारणों से, जैसे कि फिस्टुलाई नैनो जो कि ट्यूबरकुलस होते हैं। तो इस प्रकार से ये होते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ट्यूबरकुलर अल्सर में सबसे पहले जब हम कॉज की बात करते हैं, कॉज में जो है वो सबसे जो कॉमनेस्ट है वो है रप्चर ऑफ ए कोल्ड एप्सिस। कोल्ड एप्सिस का मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। कोल्ड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें कन्वेंशनल जो एप्सिस होती है, जो बहुत तेजी से बॉडी में फैलती है और वो टच करने पर गर्म महसूस होती है, टेम्परेचर रेज होता है वहाँ पे। कंपेरेटिवली ये जो एप्सिस होती है बहुत लंबे समय तक बॉडी में पड़ी रहती है एक स्वेलिंग के रूप में। ना इसमें कोई पेन होता है और ना ही इसका टेम्परेचर, लोकल टेम्परेचर रेज होता है, इसलिए इसको कोल्ड एप्सिस कहा जाता है। तो इसके रप्चर होने से जो बनता है वो, दूसरा क्या है कि जो बॉडी में जहाँ जहाँ लिम्फ नोड हैं, मेजर जो पार्ट्स हैं, वैसे तो पूरी बॉडी में होती हैं, लेकिन जैसे नेक है, एक्जिला है, ग्रोएन है, ऐसी जो कॉमनेस्ट जगहें जहाँ पे पूरे बंच ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पे एफ्लिक्शंस होने की वजह से जब उनमें केजिएशन होगा, यानी कि गलना अंदर से शुरू हो जाएंगी, तो जो मटेरियल बन के रप्चर होगा वहाँ भी ये ट्यूबरकुलर अल्सर बन जाते हैं। तो इसलिए नेक में, एक्जिला में, ग्रोएन में यदि कोई ऐसा अल्सर है जो बहुत लंबे समय तक चला आ रहा है, तो हमको ट्यूबरकुलर अल्सर के बारे में सोचना चाहिए। उसी के साथ साथ ऑस्टियोमायलाइटिस, जब बोन और जॉइंट्स में कहीं इन्फेक्शन होने की वजह से, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होने की वजह से जो एप्सिस बन के रप्चर होती है, वो भी ट्यूबरकुलर अल्सर होते हैं। और इसके साथ साथ ही ट्यूबरकुलर साइनस और ट्यूबरकुलर फिस्टुला, ये भी जो है ट्यूबरकुलोसिस के वुंड के अंतर्गत माने जाते हैं। तो ये कुछ सामान्य कारण जो है वो होते हैं बेसिकली। इसके बाद इसकी जो कॉमनेस्ट साइट है, जैसा मैंने बताया कि जहाँ जहाँ पे लिम्फ नोड होंगी, एक तो वो साइट जैसे नेक है, एक्जिला है, ग्रोएन है, यहाँ पे एबंडेंस ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं और इसमें केजिएशन होने की वजह से बेसिकली जो रप्चर जब होता है वो, तो ट्यूबरकुलर अल्सर बन जाते हैं। साथ ही साथ जो कोल्ड एप्सिस की कॉमनेस्ट साइट है, जैसे चेस्ट कॉमन है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपरी भाग में, या पेरिनियम में कोल्ड एप्सिस बनने, सॉरी चेस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल में कॉमनली ये देखने को मिलती हैं कोल्ड एप्सिस, और उनके रप्चर होने से ट्यूबरकुलर अल्सर होंगे। पेरिनियम में फिस्टुला के कारण से, बहुत सारे जो फिस्टुला होते हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस भी एक कारण होता है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ होती है, जिसको कि हम सॉस एप्सिस कहते हैं, ये सॉस एप्सिस बेसिकली ग्रोइन में, एब्डोमेन के निचले हिस्से में बनती है, और सॉस मसल के साथ साथ, यानी कि जिन लोगों को स्पाइन में, पीछे जो स्पाइन है पर्टिकुलरली T2L1 पे, वहाँ पे जो वर्टेब्री है उसमें ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होने की वजह से जो एप्सिस बनती है, जो ट्रैकल डाउन होकर के नीचे आ जाती है, उसको हम सॉस एप्सिस कहते हैं। इसके नॉर्मली, वैसे इसके रप्चर होने की वजह से भी जो वुंड बनता है उसको बेसिकली ट्यूबरकुलर अल्सर हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ कॉमनस्ट ट्यूबरकुलर अल्सर हो गए। अब आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो ट्यूबरकुलर अल्सर होते हैं वो बहुत क्रॉनिक अल्सर हो जाते हैं, एक्यूट नहीं होते हैं, क्रॉनिक बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो यदि कोई अल्सर में हीलिंग नहीं हो रही है और इन पर्टिकुलर साइट्स पे वो बना हुआ है लगातार, तो हमको ट्यूबरकुलर अल्सर की तरफ सोचना चाहिए कि कहीं ये ट्यूबरकुलर तो नहीं है। सबसे बड़ी बात कि ये पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, कंट्रेरी टू अदर अल्सर्स वो पेनफुल होते हैं। और इसमें जो बेसिकली इसके एजिज होते हैं, जो एजिज का मतलब मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि जैसे जो एज होते हैं, इसमें समस्या क्या होती है कि अंदर का जो भाग है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है सबक्यूटेनियस, और ये जो स्किन का ही इतना इन्वॉल्व नहीं होता, तो स्किन अंदर की ओर ग्रो कर जाती है और नीचे की तरफ अंडरमाइन कर जाती है, ऐसे नीचे की तरफ
वो राउंड हो जाती है, तो इसको हम अंडरमाइंड एज कहते हैं। ट्यूबरकुलर अल्सर का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडरमाइंड एज। क्यों? क्योंकि स्किन में उतना डैमेज नहीं होता है जितना के सबक्यूटेनियस टिश्यू में डैमेज होता है, और इस प्रकार से जो इसके एजिज हैं वो अंदर की ओर ग्रो कर जाते हैं, अंडरमाइंड हो जाते हैं, ऐसे अंदर की ओर इनग्रो हो जाते हैं, तो उसको हम अंडरमाइंड एज कहते हैं। यदि ऐसे एज देखने में मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये ट्यूबरकुलर अल्सर का ही लक्षण होता है। क्यों? क्योंकि ये स्किन ओवरलैप्स कर देती है, ओवरहैंग कर देती है टुवर्ड्स द सेंटर की ओर, और ड्यू टू मोर ग्रोथ, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। जो इसका फ्लोर होगा, जो नीचे का एरिया होगा, जो फ्लोर होता है वो पेल होता है बेसिकली, और इसमें ब्लू ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है जिसको कि हम एप्पल जेली अपीयरेंस कहते हैं, एप्पल जेली अपीयरेंस, कंट्रेरी टू द अदर अल्सर्स जिसमें बहुत अधिक स्लफ और सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे जो है उतना डिस्चार्ज कंपेरेटिवली कम होता है और ब्लू ग्रेनुलेशन टिश्यू यहाँ पे दिखाई देता है जिसको हम एप्पल जेली अपीयरेंस कहते हैं। साथ ही साथ यदि कोई लिम्फ नोड है और वो रप्चर हुई है तो वहां से येलो केजिएटिंग डिस्चार्ज मिलेगा, येलो कलर का केजिएटिंग डिस्चार्ज मिलेगा, और यदि वहां पे कोल्ड एप्सिस है तो उसमें जो पस होती है या डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही थिन होता है बेसिकली, और येलो स्ट्रॉ कलर का फ्लूड वहां से निकलता है एस्पिरेट करने पे। और जो रीजनल लिम्फ नोड्स होती है, यदि वहां पे एफ्लिक्शंस है, ट्यूबरकुलर एफ्लिक्शंस है, तो जो रीजनल लिम्फ नोड होंगी ऑब्वियसली वो एनलार्ज्ड हो जाएंगी, तो हमको देखना पड़ेगा ऊपर नेक में जब हम जाएंगे एक्सिला या ग्रोइन में कहीं लिम्फ नोड एनलार्ज तो नहीं है। हालांकि और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन इसमें भी एनलार्ज्ड मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी लिम्फ नोड मैटेड होती है, मैटेड मतलब एक दूसरे से गुथ जाती है, तो आप सेपरेट एक लिम्फ नोड को पैल्पेट नहीं कर सकते बल्कि वहां पे मल्टीपल आपको मैटेड अपीयरेंस मिलेगी, एक दूसरे से गुथी हुई चिपकी हुई वो लिम्फ नोड मिलेंगी जिनको के मैटेड अपीयरेंस कहते हैं। ये फर्म होती है और नॉन टेंडर होती है, इनमें कोई भी दबाने से दर्द नहीं होता है, जबकि नॉर्मल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें जो लिम्फ नोड एनलार्ज होती है वो बहुत पेनफुल और टेंडर दोनों होती है। तो ऐसा जानने के बाद हमको फिर इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या क्या चीज कर सकते हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये ट्यूबरकुलर अल्सर है। तो पहला है मॉन्टूक्स टेस्ट। ये मॉन्टूक्स टेस्ट एक एंटीजन टेस्ट होता है जो सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट किया जाता है, और 48 आवर के बाद यदि बॉडी रिएक्ट करती है और वहां पे हमको रेडनेस और इंड्यूरेशन मिलता है तो ये पॉजिटिव हमको एक इंडिकेशन देता है, बट ये कोई डेफिनेटिव नहीं है बेसिकली। दूसरा, वहां से जो सिक्रेशन निकलेगा उसका AFB स्टेनिंग के उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई जो ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया होता है वो आइसोलेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो AFB स्टेनिंग की जाएगी। और बायोप्सी, बायोप्सी बेसिकली एजिज से लेनी चाहिए, एजिज की बायोप्सी यहाँ पे कराई जानी चाहिए, और इसमें बायोप्सी में बेसिकली इपिथेलियोइड सेल्स मिलती है, फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा इपिथेलियोइड सेल्स यदि नजर आ रही है वहां पे उसमें बायोप्सी में तो ये ट्यूबरकुलर अल्सर को इंगित करता है। साथ ही साथ हम इसकी बैक्टीरिया की कल्चर भी कर सकते हैं। तो पहले जो कल्चर होती थी उसमें बहुत समय लगता था, नॉर्मल बैक्टीरिया की जो कल्चर है जो 24 आवर में हो जाती है इसमें बहुत अधिक समय पहले लगता था, 30 दिन 60 दिन तक लगते थे, लेकिन अब इसकी कल्चर जो है वो थोड़ा सा शीघ्र होने लगी है, तो AFB कल्चर जो है वो लॉयंस्टीन जेंसन मेथड से की जा सकती है उसमें से। और साथ ही साथ ESR बढ़ा हुआ मिलेगा सभी ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में, और यदि उसको कनकरेंट चेस्ट में ट्यूबरकुलोसिस है तो चेस्ट एक्सरे भी किया जा सकता है। हालांकि ट्यूबरकुलोसिस का जो डायग्नोसिस है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्पूटम से कल्चर उसकी या देख सकते हैं या स्पूटम से स्टेनिंग कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन यदि बॉडी के अन्य भागों में है तो हमारे पास जो सबसे डेफिनेटिव टेस्ट होता है इन्वेस्टिगेशन वो बायोप्सी ही होती है, और बाकी के जो टेस्ट हैं बेसिकली वो सब सपोर्टिव ही होते हैं। तो ये ट्यूबरकुलर अल्सर के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन मैंने आपको किया। थैंक यू वेरी मच।